साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। मेरे रिप्लाई मैं जो अभी आंसर करने वाली हूँ उसको आप न्यूज से काटिएगा तो नहीं, कोशिश करेंगे कि ना काटें। हमें दर्द, सभ्यता और संस्कार का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चाइना इज नॉट आवर कॉम्पिटिटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में ओसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना। नरेंद्र मोदी जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है, लेकिन आप लोग हमेशा बेनकाब हुए, आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहु बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो हम नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हमारे कुरान ने कहा है कि बेकसूर की जाकर के जान ले लो। क्यों मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है? क्योंकि हसन हुसैन की जान तो मुसलमान ने ली थी, तो मुसलमान को खुद को काफिर बोलना चाहिए। खुद से खुद की मुलाकात करने में डर लगता है क्या? वो फौज जो पाकिस्तान का गुरूर है, वो फौज जिसका हर एक सिपाही किसी भी तासुब से बालातर होकर वतन अजीज के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है और आज से नहीं कर रही। तो हमने इसको प्रमोशन नहीं किया है, ये प्रमोट हो गया है। जस्टिन बीबर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इंडिया का चिकन टिक्का बहुत पसंद आता है। वो टिक्का बेचारे बोल नहीं पा रहा था, जस्टिन बीबर एंड माय एज इज सिमिलर, तो वो बेचारा टिक्का बोल नहीं पा रहा था, तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि इंडिया का मुझे चिकन टिक्की बहुत अच्छा लगता है। तो इंडिया को अपने फूड से लेकर के और अपनी सारी चीजों को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल sp news91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इस तरीके से धुलाई की है, आपने क्लिप्स में भी देखा होगा कि उसे बिल्कुल औकात याद दिला दी है, एक तरीके से नंगा कर दिया है। ये जो आप महिला, ये लड़की जो देख रहे हैं, ये भारतीय, हमारे भारत से है और एक मुस्लिम है और पैसे से वकील है। ये अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, जिस तरीके से मतलब ये बताती रहती है कि पाकिस्तान का मुसलमान क्या है और भारत का मुसलमान क्या है। इस तरीके की मतलब एक मतलब उसकी औकात याद दिला दी इन्होंने इस वीडियो के अंदर। आपने क्लिप में भी देखा होगा जो छोटे छोटे पैतरे, जो छोटी छोटी गलतियां और किस वजह से पाकिस्तान आज क्राइसिस में है, ये सब कुछ उन्होंने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है। और पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज है जो कहता है पाकिस्तान की यहाँ पर भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। जहाँ अभी यूएस में जब हमारे मोदी जी गए थे, ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उसने क्या कहा था कि भारत जो है अपनी माइनॉरिटी को पहले संभाले। तो जो ये लड़की है, इनका एक मैसेज है उस उन पाकिस्तानियों को जो ये बात कहते हैं कि, या फिर वर्ल्ड में कोई भी जो ये बात कहता है कि हाँ यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार होता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी, मैं पहला सवाल, मतलब मैंने अपने प्रोग्राम का ये असूल रखा है कि जो भी हमारा गेस्ट आता है उनसे मैं पूछता हूँ कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है। यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन। अच्छा, अभी हम चलते हैं प्रॉपर वीडियो की तरफ। कुछ टाइम पहले जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इंडिया को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दें। और अभी 1-2 दिन पहले चाइनीज मीडिया ने इस चीज को दोबारा सेकंड किया है और बोला है कि मतलब इंडिया को चाहिए माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि चाइना सबसे पहले ये बताए कि 2023 में पाकिस्तान की सरकार से कितने गधे खरीदा है, ये बताए। और गधे खरीदने और गधे भेजने वालों से के ऊपर ये सब सवाल सूट नहीं करता है और ये सब टिप्पणियां भी सूट नहीं करती हैं। दूसरा, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि जो 6 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज पर जो बॉम्ब्ड बाय ओबामा हुआ था, उसके बारे में ओबामा जी क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को अटैक करने से पहले अपने ग्रीवान में झांक करके देख लेना चाहिए। देखिए, जब इंसान का इतिहास बंद हो जाता है ना, जब उनके पैर से जमीन खिसकने लगती है और उनके पास से चेयर चला जाता है और वो अपने से बेटर किसी को देखते हैं तो उनसे वो हजम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ओबामा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और वो ऐसी बेवजह बेतुकी इडियोटिक और नॉनसेंस वो टिप्पणियां कर, और जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहा था उसके बारे में उन्होंने बातों को छुपा लिया है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली। अच्छा, और खास तौर पे चाइना की अगर बात करें और पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्हें ये देखना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट कि जो चाइना में मुसलमानों की कंडीशन है, चाइना में उइगर मुस्लिम्स हैं, क्या हमारा ये ड्यूटी है कि अगर हमने ह्यूमन राइट पे बात करनी है, अगर हमें मुसलमानों से ज्यादा दर्द है, हमदर्दी है, तो हम चाइनीज मुस्लिम की बात करें या इंडियन मुस्लिम की बात करें? इंडिया में तो मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, शायद पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में मौजूद हैं। अगर उन्हें कोई इशू है भी तो अपनी आवाज खुद उठाना जानते हैं, लेकिन चाइना के जो मुसलमान हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? और कुछ टाइम पहले नादिया जी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज मुस्लिम के लिए आवाज उठाई थी, मतलब कि चाइना में जो काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कर सकी मुसलमानों के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिखाया, और वो भी मोदी। डेफिनेटली। इवन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अब चाइना में जो भी कुरीतियाँ और दुर्नीतियाँ हो रही हैं या हालिया में जो हमारे पूरी दुनिया को कोविड-19 से जो जूझना पड़ा है, कोरोना वायरस से जो जूझना पड़ा है, तो चाइना वाज द इंडस्ट्री टू क्रिएट, टू इन्वेंट दैट वायरस ना। तो चाइना का नज़र बिल्कुल झुका हुआ रहना चाहिए एंड दिस इज़ द रीज़न कि चाइना का एक बॉटल खरीदने से पहले भी इंसान डर जाता है कि बहुत जल्दी टूट जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में देखिए, हमें दर्द, सभ्यता और संस्कार का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चाइना इज़ नॉट आवर कॉम्पिटिटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में ओसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना, चाइना में तो अजमल मुजाहिदीन जैसी चीजें तो नहीं हुई ना। तो चाइना जो है वो स्मार्टली चीजों को करता है और पाकिस्तान जो करता है ना वो देहाती और गधेड़ों की तरह चीजों को सामने लेकर के आता है और खुद के जाल में खुद ही फंस जाता है। आज जिस शरिया लॉ और इस्लामिक देश जो पाकिस्तान खुद को दिखाना चाह रहा है और सबसे किनारे हो चुका है, सारी दुनिया ने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो मैं उस पर एक कोट मैंने निकाला है कि तुमको अब अल्लाह ही रखे, तुमको अब अल्लाह ही चखे पाकिस्तान, अब तो तुम अल्लाह के हवाले हो। अगर अच्छे हालत में हो तो अल्लाह ने तुम्हें संभाला और अगर बुरे हालत में हो तो अल्लाह का खैर नाजिल हुआ पाकिस्तान पर। अब फिर से आ जाते हैं हम चाइना पर। चाइना इज नॉट आवर कॉम्पिटिटर। पॉपुलेशन में भी अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो हम चाइना से ज्यादा हैं। अगर आप मेड इन इंडिया की चीजों पर जाइएगा तो ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं कि अब इंसान किसी चीज को अगर चाइना के सामान को देख लेता है तो वहीं पर छोड़ देता है कि चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये टिकाऊ नहीं होता है। तो इंडिया से चाइना का कोई तोल और मोल ही नहीं है। अगर चाइना को हम जमीन समझते हैं तो इंडिया को हम आसमान समझते हैं। हालिया में हमने सुना था कि यूएस ने इंडिया मेड इन इंडिया का 5G के लिए उन लोगों का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। उसके बाद फिर अभी यूपीआई के लिए और जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है उसके ऐप्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मेड इन इंडिया इज़ वेरी डेवलप्ड राइट नाउ। और देखिए ये जो हिजाब पर लोग इतना चिल्लाते हैं और ख़ास करके मुसलमान देश इतना चिल्लाते हैं, ये कॉटन, ये हैंडलूम, ये तात, ये कहाँ से आया है? ये हिंदुस्तान का ही तो उपजाया हुआ चीज़ है, ये तो हिंदुस्तान की चीज़ें हैं। आप जो कॉटन के कपड़े पाकिस्तान में 3,000-4,000 में खरीदते हैं, हम यहाँ 600-700 रुपए में खरीदते हैं। तो दिस इज आवर इंडिया ना। गरीबों का भी, अमीरों का भी, हर किसी का, हर एक तबके के लिए हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें गरीब भी बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं और अमीरों के लिए तो डेफिनेटली अगर टॉप 10 ऑल ओवर द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनमें भी इंडिया के लोग काफी नजर आते हैं हमें। ये बताएं, आपने बोला मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, अब बहुत तेजी से पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। मेड इन इंडिया का सफर, मेड फॉर वर्ल्ड, ये कब बना और कैसे बना? ये पब्लिक की विजन की वजह से बना? ये मैं सवाल पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ, लेकिन आज आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि उनसे बेहतर डेफिनेटली इंडिया के बारे में आप जानते हैं, मेरे से बेहतर इंडिया के बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप एक इंडियन हैं। ये मेड इन इंडिया या मेड फॉर इंडिया का कंसेप्ट मेड फॉर वर्ल्ड तक कैसे पहुंच गया और बहुत तेजी से पहुंच गया? देखिए, हमने कभी भी प्रमोशन किया नहीं, हमने कभी भी प्रमोशन किया नहीं। हुआ ऐसा कि मोदी जी के बदन पर जो कॉटन का वेस्ट कोट देखा गया, हाथ में 5G का नेटवर्क देखा गया, या जिस तरीके से मैं पाकिस्तान चैनल पर बैठ करके अपने नेटवर्क के, अपने 5G के नेटवर्क के साथ आपसे बात करती हूँ, ना ब्लर होता है ना ग्लिच होता है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कभी फोन पर नहीं बोला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बाद में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, या अभी नेटवर्क नहीं है बाद में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और ये जो आप बात हर 2 सेकंड के बाद जो आप अटक जाते हैं, तो ये हमें प्रमोट नहीं करना पड़ा। ये विदेशों को, यूएस को, अमेरिका को, सिडनी को, हर किसी को खुद में समझ में आ गया। देखिए, हालिया में अमेरिका में बहुत तारीफ की गई थी और वॉशिंगटन में, कि हिंदुस्तान के पास एक कैसा ऐप्स है कि फोन टू फोन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यूपीआई से ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक पैसा भी ट्रांजेक्शन करने वाले का नहीं लगता है। तो इस पर जब बात उठी तो ये उन लोगों की पहले डिस्कशन चली है और तब जाकर के भारत के प्रधानमंत्री तक ये बात आई है। तो हमने कुछ ऐड क्रिएट करके हमने कोई प्रमोशन नहीं किया है। आज जब दूर से लोग गूगल पे हमारे हिंदुस्तान के सड़कों को देखते हैं, आज जब दूर विदेशों से लोग हमारे हिंदुस्तान को इकोनॉमिकल बहुत इम्प्रूव होते हुए देखते हैं, आज जब दूर देशों से गूगल पर और न्यूज चैनल्स पर जो जनता है बाहर देश की या पाकिस्तान की, वो जब अग्नि 5 और मुर्मुगांव जैसी चीजों को देखती है, हमारे हिंदुस्तान में लॉयर सबसे बेस्ट होते हैं, हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट सबसे बेस्ट होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो खेत में कॉटन रूई उगाता है वो सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ चाश सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ फिश सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ हैंडलूम तात सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ का खाना सबसे बेस्ट होता है। सिडनी में तो आप जाइएगा तो वेजिटेरियन मोदी जी थाली भी मिलती है। तो हमने इसको प्रमोशन नहीं किया है, ये प्रमोट हो गया है। जस्टिन बीबर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इंडिया का चिकन टिक्का बहुत पसंद आता है। वो टिक्का बेचारे बोल नहीं पा रहा था, जस्टिन बीबर एंड माई एज इज सिमिलर, तो वो बेचारा टिक्का बोल नहीं पा रहा था, तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि इंडिया का मुझे चिकन टिक्की बहुत अच्छा लगता है। तो इंडिया को अपने फूड से लेकर के और अपनी सारी चीजों को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इंडिया अपने आप प्रमोट हुआ है, अपनी क्रेडिबिलिटी की बदौलत, अपने एफर्ट के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत। आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 इयर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप रही है आज तक इंडिया और फ्रांस के दरमियान। तो काफी चीजों पे, डिफेंस पे, रिसर्च पे, टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे, काफी चीजों पे जो है पार्टनरशिप रही है आज तक इंडिया और फ्रांस के दरमियान। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। इसके चलते जो है ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिस हैज बीन ए मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर कोलैबोरेशन, इन की एरियाज। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका डिफेंस चाहे लें आप, या एजुकेशन लें आप, या साइंस टेक्न लें, या कल्चर लें। तो इसके चलते जो है नाउ फ्रांस ने जो है अभी रिसेंटली दे हैज ऑफर्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इसको बोलते हैं TOT के नाम से हम इसको बोलते हैं, फॉर को डेवलपमेंट ऑफ 110 KN हाई थ्रस्ट इंजन है, उसको को डेवलप करने के लिए फ्रांस ने जो है इंडिया के साथ टाइज किए हैं। तो बेसिकली DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी और फ्रांस के जो सबसे बड़ी कंपनियां जो यूरोप में लगभग सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है जो इंजन बनाती है, उसका नाम है सेफ्रॉन। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, उनके और जो डिफेंस हमारा DRDO है, उनके दरमियान ऑलरेडी, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे वहाँ पर एक पेरिस एयर शो था जो रिसेंटली, जहाँ पे हमारे DRDO के चीफ जो हैं उन्होंने तशरीफ लिया था, एंड उसी में उन्होंने जो है विजिट किया था उस सेफ्रॉन इंजन फैक्ट्री में जो पेरिस में है, एंड वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के ऑफिसर्स के साथ ये डील हुई थी। एंड इसके चलते जो है ये यहाँ पे बोलना जरूरी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विजिट है फ्रांस ऑन 13 और 14 जुलाई के बीच में। तो यही माना जाता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दिस ऑल कम्स आफ्टर इंडिया साइंड ए ग्रेट हिस्टोरिक डील फॉर को मैन्युफैक्चर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक जी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि इनकी बातों में वाकई में दम है। इन्होंने एक एक बात अपने जहन में उतार रखी है और इन्होंने बता दिया है हर पाकिस्तानी को, जो भारत के लिए अपशब्द कहता है और भारत को ये कहता है कि भारत ये है, जहालत भरी हुई है जिसके दिमाग में, हर उस पाकिस्तानी को मैसेज है इनकी तरफ से जो इन्होंने बताया है, और एक एक बात सच्ची है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि ये सारी बातें सही हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आया हो, इन जो हमारी भारतीय ये सिस्टर हैं इनके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का और भी न्यूज़, अपडेटेड न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।